स्वागत है आपका स्पोर्ट्स एटीट्यूड में। दोस्तों आज मैं हैंड स्टैंड होल्ड कैसे करते हैं उसकी टेक्निक बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आप करके हैंड स्टैंड को होल्ड कर सकते हैं, अपने हाथों के ऊपर अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हो कौन सी टेक्निक है और कौन सी एक्सरसाइज है जिसे करके आप अपनी बॉडी को हैंड स्टैंड के पोजिशन में रोक सकते हैं। पहले तो आपके हाथों में इतनी पावर होनी चाहिए जिससे कि आपका पूरी बॉडी बैलेंस हो सके, आपकी पूरी बॉडी का वज़न आपका हाथ आपका रिस्ट लोड उठा सके, इतनी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें डिप्स करनी है, कम से कम आपको डिप्स आनी चाहिए 30 से 40 सेल्फ डिप्स आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ डिप्स कौन कौन सी करनी है, कैसे कैसे करनी है जिससे आपको हैंड स्टैंड करने में आसानी हो। जानते हो वो डिप्स करनी है आपको ऐसे, ये डिप्स कम से कम आपको 30 से 40 आनी चाहिए ताकि आपका स्ट्रेंथ बढ़े, आपका जो मसल्स है हाथों का वो डेवलप हो जाए। उसके बाद ओपन हैंड करना है, उसके बाद आपको अपने फिंगर को इन साइड में करना है और डिप्स करना है ताकि आपके मसल्स चारों तरफ से फिट हो जाएं। उसके बाद आपको हाथों का अपनी बॉडी का उसके बाद आपको अपने बॉडी का वेट आगे की तरफ लेना है, फिर डिप्स करना है। बस ये तीन चार टाइप की जो मैंने डिप्स बताई इसे आपको करना है ताकि आपके मसल्स जो है डेवलप हो जाए, आपके मसल्स में पावर आ जाए, आपका हाथ जो है स्ट्रांग हो जाए ताकि आप अपनी बॉडी का पूरा वेट अपने हाथों पर ले सकें। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी का वेट अपने हाथों पर कैसे लेते हैं उसको सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा स्टार्टिंग से, उसे आप ध्यान से देखना उसको सीखना। तो आपको क्या करना है, हाथों को नीचे रखना है सीधा और धीरे से पैर फेंकना है, डाउन होना है, फिर फेंकना है, वेट लेना है, फिर डाउन होना है। ऐसे करके आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है ताकि जब तक आपको परफेक्शन नहीं आता तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो वेट लेने वाला ऐसे ऐसे फेंकना है आपको, डाउन होना है, लेग्स को किक करना है, डाउन होना है। ये एक्सरसाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार करनी है ताकि आपको वेट लेना आ जाए। और इसके बाद हमें करना है दीवार पे, किसी दीवार को आपको ढूंढना है उस पर एक्सरसाइज करना है। अभी मैं आपको दीवार पे ले चलता हूँ, वहाँ पे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, आपको दीवार पे कुछ एक्सरसाइज करना है वो मैं बताता हूँ। दीवार पे मैं आ चुका हूँ, तो देखिएगा क्या करना है आपको। सीधा आपको नीचे हाथ रखना है और पैरों को धीरे से उठाना है ऐसे धक्का देते हुए, ऐसे आगे पीछे जाना है ऐसे। तो फ्रेंड जो अभी मैंने एक्सरसाइज बताया उसे आपको करना है बार बार, अपने हाथों को नीचे रखना है और पैर को ऊपर ले जाना है दीवार के सहारे, जो अभी मैंने बताया वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है। और उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी आप हो गए दीवार पे आ गए और अभी आपको अपनी बॉडी को ऊपर ले जाना है, ऊपर शिफ्ट करना है और होल्ड करना है। इसे बोलते हैं हैंड स्टैंड होल्ड। तो ये हैंड स्टैंड होल्ड आपको कम से कम एक मिनट आना चाहिए, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन कम से कम हैंड स्टैंड एक मिनट हो ताकि आपका जो मसल थे वो स्ट्रांग हो जाए। तो फ्रेंड ये हैंड स्टैंड दीवार के सहारे आपको एक मिनट के ऊपर रोकना है, कम से कम एक मिनट तो रोकना ही रोकना है ताकि आपका जो मसल्स है डेवलप हो जाए, आपका जो रिस्ट है उसमें पावर आ जाए, ताकि आपका वेट जो बॉडी का वेट है बराबर आपके हाथों पे आ जाए, बराबर आपके हाथों पे आ जाए, ऐसा आपको प्रैक्टिस कर। तो फ्रेंड अभी दीवार के सहारे शिफ्टिंग होगी, दीवार के सहारे होल्ड करना हो गया, कम से कम एक मिनट होल्ड करना हो गया, और जो आगे मैंने वॉक बताया ऐसे आगे पीछे जाना है वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, हैंड स्टैंड को कैसे कंट्रोल में लाना है वो मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अभी आपको क्या करना है, हैंड स्टैंड आपकी हो गई है, बॉडी पोस्चर सही रखना है, उसके बाद क्या करना है आपको पैरों को हटाना है, थोड़ा सा ऐसे पैरों को हटाना है दीवार के सहारे से,
जो भी आप हेल्प ले रहे हैं वो हेल्प आपका हट जाएगा, ऐसे ऐसे हेल्प हट जाएगा और आपको रिस्ट से यूज करके, आपका रिस्ट यूज करके होल्ड करना है, अपनी बॉडी को एयर में होल्ड करना विदाउट सपोर्ट। ये देखो होल्ड हमें कैसे कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। हाथ हाथ को आपके जो फिंगर हैं और जो रिस्ट है उसका यूज करना है और होल्ड करना है, ऐसे दबाना है, ग्रिप को दबाना है अपने, ताकि होल्ड हो जाए अच्छी तरह। तो फ्रेंड अभी दीवार के सहारे मैंने आपको हैंड स्टैंड होल्ड करना सिखाया, और वो भी धीरे धीरे आपको पैर जो है आपके दीवार से जो लगे रहते हैं उसको हटाना है, हटा के होल्ड करना, वो मैंने आपको दिखाया कैसे करना है। जब भी बॉडी अप डाउन होती है तो आपको रिस्ट से, जो रिस्ट है आपको ऐसे ऐसे शिफ्ट करके आपको बॉडी को होल्ड करना है, ये आपको सीखना है, ताकि आप कहीं भी विदाउट सपोर्ट अपने बॉडी को बैलेंस कर सकें। इसलिए आपको ऐसे सीखना है दीवार के सहारे, उसके बाद ही आप विदाउट सपोर्ट्स कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि आपको दीवार से कैसे अपने पैरों को हटाना है और वेट लेना है। जब वेट आने लगे आपको, उसके बाद क्या करना है, आपको दीवार से दूर जाना है और तब प्रैक्टिस करना है। उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। अभी क्या करना है, आपको ऐसे हाथ रखना है, उसके बाद हाथ रखने के बाद हाथों पे पूरा वेट लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद लेग को, जो आपका लेग्स है उसको किक करना है और हवा में होल्ड करने की कोशिश करना है ऐसे। ये देखिए, आप अगर आगे पीछे जाता है, आपका बैलेंस भागता है इधर उधर, तो आपको होल्ड करना है, कोशिश करना है कितनी ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हो। ऐसे आपका भागेगा स्टार्टिंग में बहुत इधर उधर भागेगा, तो आपको ऐसे ऐसे रोकना है जिधर भी जाता है। उसके बाद आपको एक जगह पे स्टेबल होने की कोशिश करना है। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको वेट लेके दिखाया कि कैसे वेट आगे पीछे भागता है, हमारी बॉडी का वेट कैसे भागता है इधर उधर, वो चीज़ बताया मैंने। तो उसके बाद जो हमारा जो हाथ है ऐसे ऐसे भागता है आगे पीछे, कहीं भी भागता है इधर उधर, उसको फिर उसको कैसे कंट्रोल में लाना है, इस ग्रिप से ये ऐसे दबाना है, इधर गया तो इधर से दबाना है, आगे की तरफ गया तो फिंगर से ऐसे दबाना है। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपका हैंड स्टैंड अच्छी तरीके से होल्ड हो पाएगा। देखिए एक बार और देखिए कैसे करना है, ये ग्रिप को आपका ग्रिप है, ऐसे ऐसे दबाना है, आगे गया तो ऐसे रोकना है, पीछे गया तो ऐसे ऐसे करके अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप है ये, अगर आपको आ गया तो हैंड स्टैंड पक्का आ जाएगा, आप कहीं भी हैंड स्टैंड होल्ड कर सकते हो। अगर ये चीज़ आ गई तो आप कहीं भी हैंड स्टैंड होल्ड कर सकते हो विदाउट सपोर्ट, और आपका बॉडी पोस्चर भी अच्छा रहेगा इस फिंगर की वजह से। जो फिंगर का पोस्चर अच्छा रहेगा और उसमें अच्छा कंट्रोल रहेगा, तो आपका हैंड स्टैंड भी बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी चीज़ें आपको मैंने बताई, इसे करके आप हैंड स्टैंड आप अच्छे से कर सकते हो, हैंड स्टैंड होल्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में मैं और आप मिलते रहेंगे और मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।